मैहर के त्रिकूट पर्वत पर विराजी माता शारदा देवी के मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित देवी प्रसाद महाराज का मंगलवार को निधन हो गया। उनके बैकुंठवास की खबर आते ही मैहर और सतना में शोक की लहर है। माँ शारदा देवी मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित देवी प्रसाद महाराज का मंगलवार को दिल्ली के भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया। वे पिछले काफी समय से बीमार थे। उन्हें दो दिन पहले ही दिल्ली ले जाया गया था। पंडित देवी प्रसाद 75 साल के थे। वे अपने पिताजी के बाद शारदा देवी मंदिर के प्रधान पुजारी बने थे। महज 12 वर्ष की उम्र से ही उनका मन पूजा पाठ में लग गया था। कई दशकों तक माता रानी की पूजा अर्चना करते आए देवी प्रसाद महाराज माता रानी को प्रसन्न करने के लिए 3 बार अपनी जीभ माता शारदा के चरणों में समर्पित कर चुके हैं। माता की आरती की रचना भी उन्होंने ही की थी। वे सिर्फ घर से मंदिर और मंदिर से घर तक ही आते जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने कभी मैहर की गलियों को जानने में भी रुचि नहीं ली। उनके लिए घर के बाद दूसरा एकमात्र स्थान मंदिर ही रहा। बेहद शालीन व्यक्तित्व के धनी पंडित देवी प्रसाद महाराज का आसन मंदिर की पहाड़ी में बनी गुफा में ही लगता था। उसी गुफा में वे भक्तों से मिलते और उन्हें आशीर्वाद देते थे। पिछले कुछ समय से मंदिर के प्रधान पुजारी का जिम्मा उनके बेटे पवन पांडे महाराज संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी वे गुफा में ही रहकर स्वयं पूरी व्यवस्था पर नजर रखते थे। इस बार के शारदीय नवरात्रि मेले के दौरान उन्होंने घर जाने के बजाय मंदिर में ही रहने का निर्णय ले लिया, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर परिजनों के आग्रह के बाद वे घर आए थे। उन्हें 11 नवम्बर को दिल्ली ले जाया गया था। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि उनकी पार्थिव देह दिल्ली से मैहर लाई जा रही है। साथ में दोनों बेटे पंडित पवन महाराज और दीपू पांडे हैं। पंडित देवी प्रसाद महाराज का अंतिम संस्कार मैहर में किया जाएगा।